हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं आपके बीच में सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की लेकर। तो जल्दी से जल्दी मित्रों शेयर कर दीजिए आज के सेशन को। बहुत ही धमाकेदार पेपर मित्रों हुआ है और सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाए और सभी मित्र अपने आप को शेयर कर दीजिए फटाफट से क्लास को मित्रों। और फिर देखिए क्या कुछ खास है मित्रों, बिना समय गवाए सबसे पहले सबसे सटीक जो है मैं आपको आंसर की बताने वाला हूं। जल्दी कीजिए मित्रों, फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार, ताबड़तोड़ जो है सभी विद्यार्थियों तक पहुंच जाए, क्योंकि ये पेपर जो है सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थियों को देखना भी आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये लीजिए मित्रों, क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी कीजिए फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे भाई। बिना समय गंवाए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये मेरे भाई ये लीजिए मित्रों पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला ही क्वेश्चन मित्रों सीधा सीधा कल की क्लास से छप गया, आपने कल की क्लास से छप गया है पहला ही क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन कल की क्लास से छप गया है। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन। कल परसों की जो क्लास थी मेरे भाई उसमें से शाम वाली क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने बैडमिंटन से संबंधित है, दोनों ही। कौन भाई? लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत। दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। ये लीजिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन, जल्दी, अरे भैया कल की क्लास से छप गया फिर से दूसरा क्वेश्चन भी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया था? बताइए, जल्दी शेयर करो मेरे भाई। हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर और जालोर। कहां किया गया था मेरे भाई? जयपुर में किया गया था। हनुमानगढ़ तो क्या रहा था, टॉप पर रहा था, क्या रहा था, टॉप पर रहा था मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है ना। तो जल्दी करो शेयर कर दो एक बार, जल्दी से जल्दी शेयर करो मेरे भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर शाही किसका नाम है? जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी क्लास को शेयर कर दो भाई। अमर शाही किसका नाम है? पगड़ी, जूती, आभूषण और मिट्टी के बर्तन। जल्दी कीजिए। अरे भैया बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए जल्दी बताइए कि अमर शाही किसका नाम है, किसका नाम है? बिल्कुल पगड़ी, जिनका जवाब आ रहा है वो सही जवाब है मेरे भाई। किसका नाम है ये? पगड़ी का नाम है। किसका है? पगड़ी का। लीजिए नेक्स्ट। अच्छा ये अच्छा, डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइलें कहां रहती? तो रिसाइकिल बिन में रहती है, आप सब जानते हो, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। करंट का रीजनिंग क्वेश्चन करवाएंगे आपको। लीजिए शेयर कर दो दोस्तों, फटाफट से शेयर कीजिए एक बार। निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? जल्दी करो जल्दी। हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। तो मेरे भाई ये सेलुलोज का है। किसका है? सेलुलोज का। नेक्स्ट। जल्दी बताइए किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायती अवार्ड योजनाओं की घोषणा की थी? बताइए फटाफट से 2015-16, 2013-14, 2015-16, 2000 तो 2015-16 मेरे भाई इसका आंसर होगा 2015-16। क्या कमेंट करें? अच्छा क्वेश्चन ओहो क्या गड़बड़ कर दी कुछ? चलो एक बार देख लेते हैं, बाद में देख लूंगा। ये तो कल भी क्वेश्चन था भाई, कल भी क्वेश्चन था ये। आहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? बताइए। वीएस मिश्रा, वीएस वाकणकर, बीबी लाल और एसडी सांकलिया। बताइए, कल भी क्वेश्चन था, मैं कहता हूं ना बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते। बताइए कल भी क्वेश्चन था ये कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। कल भी क्वेश्चन था मेरे भाई। कल भी क्वेश्चन था ये, कल भी क्वेश्चन था, मैं ये बता रहा हूं कल भी क्वेश्चन था। सेम टू सेम क्वेश्चन आया मेरे भाई, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए। एसडी सांकलिया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीस सौ 1999 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी? बताइए। जयपुर में, बिजोलिया में, वर्धा में, अजमेर में। तो वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी मेरे भाई। कहां हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। ये तो बता ही देता हूं। बताइए, शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? ये तो मेरे हिसाब से बच्चा जानता भाई। किसने दिया था पारिस्थितिक शब्द? खुराना, ब्राउन और रिटर। किसने दिया था? वैसे चलो साइंस वाले सर बोल रहे हैं सर मैं करवा दूंगा, चलो उनके लिए छोड़ देता हूं, वो भी करवाएंगे। मैं मेरे करंट के और जीके पढ़ा देता हूं, ठीक है। ये लीजिए, ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। वैसे उसका आंसर सबको पता होगा आपको। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत में किसके सहयोग से चल रही है? म्यांमार, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। बताइए। फोकस पड़ रहा है क्या? फोकस पड़ रहा है भाई? मेरे भाई किसके सहयोग चल रही है? नेपाल के सहयोग से चल रही है, नेपाल। अच्छा ये करंट का क्वेश्चन, बहुत सॉरी रीजनिंग का। लीजिए साहब, निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी? यानी जनसंख्या का विस्फोट कब हुआ राजस्थान में? तो राजस्थान हुआ 1971-81 में। कब हुआ राजस्थान में? 1971-81 में। यार क्लास को तुम शेयर नहीं कर रहे हो दोस्तों, क्लास को शेयर कर दो एक बार, जोरदार तरीके से क्लास क्या कर दो, शेयर कर दो। क्लास को शेयर करो भाई। शेयर करो भाई, शेयर करो फटाफट से। एक बार पीडीएफ चेंज कर रहा हूं मैं। चलो इसमें सही दिख रहा है। देखो लक्ष्य, क्वेश्चंस वापस रिपीट करवा रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत निम्न में से किस खेल से मेरे भाई, तो बैडमिंटन से। किससे हैं, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन। ठीक है ना, कल शाम को ये क्वेश्चन करवाया था, परसों शाम को ही करवाया था। हाँ ये क्वेश्चन है, हाँ। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्य व केंद्र शासित प्रदेश नहीं है कि संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत मान 10 से कम है वह, यानी 10% वन क्षेत्रफल से कम कहां है मेरे भाई, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, उसी के आधार पर इसका आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए इसका जवाब दीजिए कि 10% से कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, आपको ही बताना, सॉरी भारत के कौन कौन से राज्य हैं, बताओ भाई। यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों की संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत का मान 10% से कम है। बताइए जवाब दीजिए मेरे भाई। फटाफट से जल्दी जवाब दीजिए फटाफट से, और क्लास को शेयर करो एक बार सारे मित्र मिलकर क्लास को शेयर कर दो, शेयर करो भाई जल्दी से जल्दी शेयर करो, फिर मैं आपको जवाब दे रहा हूं फटाफट से। नॉन स्टॉप आपको सारे जवाब देने वाले हैं, नॉन स्टॉप सर्वाधिक जवाब देने वाले मित्रों, जल्दी करो, जल्दी कीजिए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, आप कमेंट्स में देख पा रहा हूं, बिल्कुल सही। अरे जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए, जवाब नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। एक तो इस बार क्या खेल कर रखा है, सारे मिक्स कर रखे क्वेश्चन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा कहां से किया गया था मेरे भाई, तो जोधपुर पालगांव से हुआ था। इसका अभी मैंने थोड़ी गलती बता दी थी, जयपुर बताया था, वैसे जयपुर स्वाई मानसिंह से अंत हुआ था इसका, है ना। अमर शाही किसका नाम है मेरे भाई, तो अमर शाही क्या है मेरे भाई, तो अमर शाही क्या है, पगड़ी का प्रकार है। किसका प्रकार है, पगड़ी का। चलिए नेक्स्ट, डिलीट होने के बाद में विंडोज में फाइलें कहां रहती, तो रिसाइकिल बिन में रहती। आसान से क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया आपको, बाकी कंप्यूटर वाले जो सर वो बताएंगे आपको। इनपुट आउटपुट कार्य पता ही आपको, एक तो मान लीजिए। नेक्स्ट, कौन सा जूट का तंतु का मुख्य घटक है, तो सेलुलोज जो है जूट के तंतु का मुख्य घटक होता है मेरे भाई, सेलुलोज जो है जूट के तंतु का मुख्य घटक होता है। फिर किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायती अवार्ड योजना की घोषणा की थी मेरे भाई, बताइए। अभी बताया था मैंने, फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल भावना, सही हो गया क्वेश्चन, बताओ अभी जवाब बताए ना ये, तो बिल्कुल 2015-16। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, मैंने कहा ना रिपीट हुआ क्वेश्चन भाई, किसके, एचडी सांकलिया। कल भी क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी, जयपुर में, बिजोलिया, वर्धा, अजमेर, बताइए कहां हुई थी स्थापना। फटाफट जवाब दीजिए, क्लास को शेयर कर दो मेरे भाई, जल्दी कीजिए। आपको लिए सबसे पहले सबसे सटीक जो आंसर की लेकर आए हैं, तो वर्धा महाराष्ट्र से, वर्धा महाराष्ट्र से। इसका आंसर पता है आपको, रिटर, चिट्टी 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 चिट्टी, आ जाइए इधर आइए, चांदी। हाँ, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और किसके सहयोग से चल रही मेरे भाई, तो नेपाल के सहयोग से चल रही। किसके, अरुण जो है वो भारत और नेपाल है इसमें। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट हुआ था मेरे भाई, तो 1971 में जो है राजस्थान में विस्फोट हुआ था, जबकि भारत में 1961 में, भारत में विस्फोट 1961 में हुआ था, 61 में हुआ था, और राजस्थान में 81 में जो है जनसंख्या क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। विस्फोट मतलब अचानक से जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली थी। लीजिए साहब, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या, बताइए। बाड़मेर, आईएन सीधा से बताना है भाई, बाड़मेर का मिलेगा क्या मुख्य, हाँ बताइए। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? भाई जल्दी करो। बताइए, गैर नृत्य, गिद्ध नृत्य, भवाई नृत्य और गुड़ला नृत्य। जवाब दीजिए मित्रों। भाई मित्रों इसका आंसर जाएगा गैर नृत्य। क्या आंसर जाएगा? गैर नृत्य इसका है। इस भाई ने तो इश्यू कट किया, कभी कभी हो जाता है ऐसा भाई, कोई बात नहीं। ये लीजिए फिर से रिपीट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको देखने आवश्यक हैं क्वेश्चंस। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? सीधा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, सीधा सा क्वेश्चन है। बताइए अरे भाई बताओ फटाफट से। क्या पूछा है यहाँ पे? मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है। कल भी परसों भी क्वेश्चन था ये। कड़ाना बाड़मेर क्या है? कड़ाना बाड़मेर किसका आंसर बता रही भावना? हाँ बिल्कुल, कौन है मेरे भाई? राजीव कुमार है। चलिए नेक्स्ट, सभी मित्र क्लास को शेयर करो भाई। अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द है। अमेंडमेंट के लिए भाई संशोधन, अनुमोदन, परिवर्तन, सहमति। अरे वाह बताइए, अब आप यानी कि पॉलिटी को भी आपको अंग्रेजी में पूछ लिया भाई है। बताइए फटाफट से जवाब दीजिए भाई। क्या आंसर जाएगा मेरे भाई इसका? संशोधन। बिल्कुल सही किया बच्चे ने। लीजिए, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? यानी करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया मेरे भाई। बताइए कि भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? बताइए। खुशीराम, गुलाम अब्बास मुंटिशर, सरबजीत सिंह और गुरुदयाल सिंह। बताइए मेरे भाई, जल्दी जवाब दीजिए। इसका आंसर जाएगा मेरे भाई गुलाम अब्बास मुंटिशर। गुलाम अब्बास मुंटिशर जो है, इनका देहांत हो गया मेरे भाई। मुंबई के अंदर देहांत हुआ था इनका। लीजिए नेक्स्ट, लीजिए वागड़ी बोली आ गई। वागड़ी बोली राजस्थान में कहां बोली जाती है? जहां हम खड़े वहीं बोली जाती है भाई। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। देखो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम तो कटे जाएगा। अब है यानी कि वागड़ी बोली, तो ये राजस्थान अपना, तो ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये उदयपुर, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण और पश्चिम ही बोलेंगे। तो दक्षिण पश्चिम इसका क्या चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा दक्षिण पश्चिम। लीजिए नेक्स्ट, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? श्रीगंगानगर में, बाड़मेर में, जालोर में, बीकानेर में। कहां मेरे भाई? बीकानेर में जो है, बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, बीकानेर में। लीजिए साहब, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह है मेरे भाई। जल्दी से शेयर कर दो एक बार सारे के सारे मिलकर शेयर करो, जल्दी करो भाई। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। चलो मैं एक बार शेयर करता हूं, मैंने भी क्लास शेयर की नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप फटाफट से जो है शेयर करें। क्या चाहता हूं मैं? फटाफट से शेयर करें, क्योंकि मेरे भाई बहुत आपको सबसे पहले सबसे सटीक जो है आंसर की बता रहा हूं, तो आप सबकी जिम्मेदारी है। फटाफट एक बार शेयर करके 100 पार करवाइए मेरे भाई, 100 पार करवाइए, 100 पार करवा दीजिए जल्दी से जल्दी। फिर देखिए आपको फटाफट, और मैं कह रहा हूं पेपर्स रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसका आंसर सबको बताना है, दामोदर है। मैं मेरे जो ग्रुप है उनमें शेयर कर दूं, तुम लोग भी कर दो, अभी तक यदि नहीं किया है तो। कुछ भी तो कर दिया मैंने, तो आंसर क्या होगा इसका भाई? दामोदर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? दामोदर। ये लीजिए फिर से रिपीट हो गया भाई। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश हैं? बताइए कौन से वे न्यायाधीश हैं? मैं कह रहा हूं ना क्वेश्चन रिपीट। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से वे न्यायाधीश हैं? बताइए भाई। अब और क्वेश्चन तो थे, नहीं करोगे ना छोड़ा। 40, 38, 49 और 29 बताइए, फटाफट जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल ठीक, कौन जवाब दे रहा भाई इसका? अरे 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से हैं? 40वें। हाँ, राज्य के, अरे फिर रुक जा। राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। उच्च न्यायालय को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और लोकायुक्त को। यानी राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। किसको देते परामर्श, ये आपको बताना मेरे भाई। बताइए फटाफट से और जोरदार क्लास को शेयर करो भाई। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श किसे देते हैं? यह आपसे पूछा गया सीधा साथ। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर इसमें सटीक आना चाहिए। बताइए फटाफट से कमेंट करके देखें क्या जवाब आ रहा है आपका। बिल्कुल राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं मेरा भाई? राज्यपाल को देते हैं। हाँ जी। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन जाएगा मेरे भाई? यहां से कोटा जाएगा। कौन जाएगा? कोटा जाएगा। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? मुख्यमंत्री का पद नहीं है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष। तो मेरे भाई राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये नहीं होते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है ना। बाकी इन तीनों में होते हैं। डांसर मालू सी कोटा, किसका कोटा आ गया भावना? किसका कोटा आंसर बता रही? कहां कौन सा क्वेश्चन कोटा आंसर हो गया? कोटा तो मेरे तो आया नहीं कहीं, ये रह गया कोई क्वेश्चन। अच्छा ये, हाँ हो गया। इसका हो गया भाई आंसर कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है? फटाफट जवाब दीजिए और क्लास को शेयर करो मेरे भाई। हैं, शेयर नहीं कर रहे हो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा। फिर किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है? बीओबी, एचडीएफसी। एचडीएफसी मेरे भाई इसका आंसर जाएगा। क्या जाएगा? एचडीएफसी। इसका क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा एचडीएफसी। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थली क्षेत्र है? 1/4, आधा, 2/3 और 1/3। तो कितना होगा मेरे भाई? 2/3 है, लगभग 60% है, 61% है, तो वो 2/3 में चला जाता है। वैसे 2/3 ज्यादा होता है, लेकिन बात ऑप्शन यही जाएगा यहां पर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? आप देखो कितना पुराना करंट आया ना, इसलिए करंट जो है आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए भाई। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया, यह आपको बताना है। 2010 में, 2005 में, 2008, 2009। मेरे भाई ये किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। चल भाई चल 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 ये रहता नहीं है कोई। चलो सारे गणित साइंस की ये क्वेश्चन। निम्नलिखित राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषताएं कौन सी नहीं हैं? कौन सी नहीं हैं? जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो उनको उच्च प्राथमिकता दी गई। इसकी घोषणा राजीव गांधी के जन्म दिवस 20/8/2021 को की गई। इस स्कीम का उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को ऊंची विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना है और इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित है। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जवाब दीजिए भाई, आपके कमेंट्स का इंतजार है और क्लास को शेयर कर दीजिए। यानी कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता आपसे पूछी गई है, वो आपको बताना है भाई। बताइए जल्दी से जल्दी, क्या आंसर होगा आपका? तो देखिए, अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए, इसकी घोषणा राजीव गांधी के जन्म पे की गई और उद्देश्य विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने से संबंधित है। बताइए फटाफट जवाब दीजिए, देखिए क्या आंसर आपका। देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, यहां पूछा गलत, और इसमें न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित किया गया है और एक बच्चा आपके पास में एक अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो उनको उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यानी यहां आपके पास में ऑप्शन 2 बच रहे हैं। जो सी बता रहे हैं वो तो गलत है, जो सी बता रहे हैं वो तो गलत है, क्योंकि ये तो सही है मेरे भाई। तो मेरे भाई इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा यहां पर कि इसमें 33% स्थान लड़कियों के आरक्षित है, ये जाएगा। ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस भौगोलिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? हाड़ौती का पठार, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो कहां पर है मुकुंदरा की पहाड़ियां भाई? हाड़ौती के पठार में। कहां पर है? हाड़ौती के पठार में। थोड़ा जूम कर दो, दिख नहीं रहा होगा, ये लीजिए। यानी किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो कहां पर स्थित है? हाड़ौती के पठार में स्थित है, हाड़ौती के पठार में स्थित है। लीजिए, कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्षता संबंधित है? अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन प्रत्यक्षता संबंधित है? इसका मेरे भाई आपको जवाब देना है, इसको जवाब देना है। और क्लास को शेयर नहीं कर रहे दोस्तों, तुम लोग हैं क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो, एक बार शेयर कर दो सारे सारे मिलकर। राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय अपीलीय क्षेत्राधिकार में, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। दीवानी, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपीलें, केवल संवैधानिक मुकदमों में ही की गई अपीलें। संघ और राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णयन, बताइए सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्षता संबंधित है। प्रत्यक्षता यानी कि डायरेक्ट, तो इसका डायरेक्ट जो है संघ और राज्यों के मध्य का जो कोई विवाद होगा वो कहां जाएगा भाई? सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। क्वेश्चन का ये लीजिए साहब। नेक्स्ट है अजमेर अजयराज चौहान के पिता कौन थे, बताइए फटाफट से जवाब दीजिए। अजमेर अजयराज चौहान के पिता कौन थे? अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? बच्चे बच्चे को पता होगा ये तो। पृथ्वीराज प्रथम, चंद्र राज द्वितीय, विग्रह राज द्वितीय और दुर्बल राज द्वितीय। कौन है मेरे भाई? पृथ्वीराज प्रथम जो है अजयराज के पिता थे, पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं? नहीं। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मनोनीत तो नहीं। प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। पंचायती राज सदस्य चुनाव होते हैं ना भाई, वोट डालते होंगे आप सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई जल्दी से जल्दी। कौन सी पर्वतारोही 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है? मालावत पूर्णा, अरुणिमा सिन्हा, प्रियंका मोहिते और प्रेमलता अग्रवाल, बताइए। इसका आंसर आएगा मेरे भाई प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते वो है जो 5 ऊंची चोटियों पर चढ़ी है। 5 ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली जो है भारतीय महिला बनी है और ये 30 वर्षीय महिला है, ठीक है ना, प्रियंका मोहिते। लीजिए साहब। मोकड़ी क्या है? लकड़ी के खिलौने, लाख की चूड़ियां, ऊन की दरियां और मिट्टी के बर्तन, बताइए मोकड़ी क्या है? आपसे पूछा गया सीधा सीधा क्वेश्चन, मोकड़ी क्या है बताइए, जवाब दीजिए भाई। तो क्या है ये? लाख से बनी चूड़ियां को क्या बोलते हैं? मोकड़ी बोलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट। एलएस बालियास्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वे किस देश के हैं? ये आपसे पूछा गया भाई। इंग्लैंड के, यूक्रेन के, बेलारूस के और रूस के। तो ये भाई एलेंस बालियास्की जो हैं ये बेलारूस के हैं। कहां के मेरे भाई? बेलारूस के हैं। कहां के? कौन से रूस के हैं? ये बेलारूस के हैं। गोडावण कहां पाई जाती है? सज्जनगढ़, रणथंबोर, केवलादेव और मरु राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल कहां पाया जाता है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। ये वो सारे क्वेश्चन है मित्रों जो मैंने बार बार खूब करवाए आपको। हाँ चलो वे साइंस का, लेकिन ये भी करंट का ही मानते हुए मैं सोल्व करवा देता हूं, बताइए इसका जवाब दीजिए फटाफट से। सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था, बताइए। पायोनियर 10, चंद्रयान 2, मंगलयान और पायोनियर प्रथम। तो पायोनियर प्रथम जो है मेरे भाई ये सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था, पायोनियर प्रथम जो है वो। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? शेखावटी प्रजामंडल, शेखावटी सुधार संघ, चिड़ावा समिति और शेखावटी किसान पंचायत, बताइए जवाब दीजिए मेरे भाई इसका। जल्दी से जल्दी, और क्लास को शेयर नहीं करो लालो लाडलो गुलगुलो, थोड़ी क्लास को शेयर कर दो यार, हैं, क्लास को शेयर कर दो, थोड़ी शेयर कर दो, ठीक रहता उससे। हाँ मैं ही शेयर करता रहता हूं। अरे बताइए कल परसों क्वेश्चन करवाया आपको, कल परसों ही करवाया ये आंदोलन करवाए उसमें मेरे क्वेश्चन था ये, बताइए कल परसों ही आंदोलन करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन छपा है मित्रों, बताइए कौन सा था भाई, बताइए। तो शेखावाटी सुधार संघ, लीजिए नेक्स्ट, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो दक्षिण में सबसे पहले क्या आ जाता है? बाड़मेर। तो पहले बाड़मेर देख लीजिए, गंगानगर, गंगानगर बाड़मेर एक में ही है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, यही पहला ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। नड़ क्या है बताइए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया आपको कि नड़ क्या है, फटाफट जवाब दीजिए मेरे भाई। नड़ क्या है, बताओ। कमेंट आपके आ नहीं रहे हैं, क्लास शेयर आप कर नहीं रहे हैं, हे भाई हे भाई कई करो रहे। अरे एक तार वाला वाद्य यंत्र है, एक लंबी बांसुरी है, लकड़ी की चार पट्टियां हैं कि जुड़वा बांसुरियां, बताइए नड़ क्या है। हाँ बिल्कुल शेयर करो एंड लाइक भी करो, शेयर एंड लाइक। तो नड़ क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नड़ क्या है, और आप का जवाब भी जो है आ ही रहा है। वाह, अभी तक जवाब अधिकांश बच्चों का जो जवाब आया है ए आया है, बी आया है, विनोद शायर एंड लेख, ओके विनोद करेगा तो आप कई कर सफेर हैं। मैं कमेंट था रही पढ़ू के भाई थे, देख रहे हो कौन देख रहे हो कि केवल चाल रही हो। बताइए तो भाई मेरे भाई, तो नड़ क्या है, एक वाद्य यंत्र फूक मार के बजाया जाता है, तो ये क्या है, एक लंबी बांसुरी का प्रकार है। अच्छा इसमें जुड़वा बांसुरियां भी हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जुड़वा बांसुरी नहीं है, एक लंबी बांसुरी का ही प्रकार होता है। ये लीजिए फेवरेट क्वेश्चन मेरा, थारनेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु प्रदेश में आएगा? थार्नवेट। तो थार्नवेट में कौन सा आएगा भैया? थार्नवेट में आएगा ईएडी। कौन सा आएगा? ईएडी आएगा थार्नवेट में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? जन्म लेता ही बच्चा बता देगा कि 6 चरणों में हुआ। कौन सा बच्चा बता देगा भाई? जन्म लेता ही बच्चा बता देगा। जन्म लेने का मतलब हो गया कि भैया जो कोचिंग करने के लिए पहले दिन गया अगले दिन बता देगा। हेलो भाई, बड़ा झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बताइए फटाफट से जवाब दीजिए, दीजिए मेरे भाई। झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, यह आपको बताना है, बताइए। और तो बताई दिए थे तारागढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन और कुंबलगढ़, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल कुंबलगढ़ दुर्ग में मेरे भाई, कहां पर है? कुंबलगढ़ दुर्ग में है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सामान्य जानकारी क्वेश्चन आ गया कि भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष के लिए वैध रहता है? बताओ जवाब दीजिए भाई। बीस वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, बायो पेटेंट की बात की गई है यहां पर। अच्छा 5 वर्ष में कोई चुनाव करवाओगे? है भाई? अरे भाई 20 वर्ष के लिए होता है, पेटेंट से अगले 20 वर्ष के लिए क्या होता है, ये वैध होता है। क्या होता है? 20 वर्ष के लिए। बायो पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है मेरे भाई? 20 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष जवाब दे रहे थे तो मैंने लगा चुनाव करवा रहा 5 वर्ष प्रत्येक 5 साल में, है ना? क्या करवा रहे? चुनाव। चुनाव कराओ। चलो लीजिए साहब बताइए, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन आप सभी का, कि अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, बालकृष्ण कोवल, हरिभाऊ उपाध्याय और हीरालाल शास्त्री। तो मेरे भाई हरिभाऊ उपाध्याय जो है ये अजमेर राज्य के प्रथम क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। लीजिए भाई, भारत की वनस्पति से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना? तो भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, बताओ भाई। शंकुधारी, अब शंकुवन तो जानते हो तुम सब लोग, वो जानते हो ना। पर्वतीय वन, मैग्रोव, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, बताइए यानी आप ये सोच लीजिए कि भाई ये वन कहां मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में। कहां मिलेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों मिलेंगे। तो वहां पर कौन से वन होंगे ये बताओ अब आप, कहां मिलेंगे? पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे शंकुधारी वन। तो कहां मिलेंगे ये? मैग्रोव वन तो नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। क्या आएगा इसमें आंसर? पर्वतीय वन ही होगा मेरे भाई। क्या होगा? पर्वतीय वन। राजस्थान राज्य गंगानगर सुगर मिल है, कहां पर है मेरे भाई? अच्छा, सरकार व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, निजी क्षेत्र कंपनी, सहकारी क्षेत्र कंपनी और सरकारी उपक्रम है, बताइए। राजस्थान राज्य गंगानगर सुगर मिल क्या है? अरे क्या है? सरकारी उपक्रम है मेरे भाई। क्या है? सरकारी उपक्रम है, यानी कि सार्वजनिक, जिसको अपन बोलते हैं सार्वजनिक। या सार्वजनिक ने लिख के क्या लिखा है यहां पर? सरकारी लिख दिया, तो एक ही बात है, ठीक है ना? सरकार और निजी तो नहीं है, निजी भी नहीं और सहकारी भी नहीं है, नहीं। क्या है? सरकारी उपक्रम है ये। क्लास को शेयर करने में कोई कंजूसी मत करो मित्रों, ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक जाए फटाफट से। ये लीजिए नेक्स्ट, यानी आप भारत में देख रहे हो तो भारत में एक वनस्पति क्वेश्चन आ रहा है पक्का, एक नदी क्वेश्चन आ रहा है और एक हिमालय से आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ना, तो ये पैट क्वेश्चन बन चुके हैं, पेपर पैटर्न है ये। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपसे पूछा गया। और ये गोदावरी, तो क्या पता बार बार गोदावरी आंसर है, पता आपको जितने भी पेपर आ रहे हैं सब में गोदावरी का क्वेश्चन आ ही रहा है, कैसे करके, गोदावरी या नर्मदा। नेक्स्ट, तेरा ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है, किसकी स्तुति में तेरा ताली नृत्य करते भाई बताइए? ये तो राजस्थान के बच्चों के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ना, कि तेरा ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है, बताइए बताइए फटाफट से। अब बताओते और भी थे ना, बताओ उसने फिर क्या कर शोर है? हाँ सब जानो थे, कामड़ दत्ती महिला करेर, ए करेर, वे करेर। अरे लोक देवता कौन सो है? बिल्कुल रामदेव जी। कौन है रे? रामदेव जी। इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? जोधपुर में स्थित नहीं है ये पूछ रहा है। देखो बोरनाड़ा है, मंडोर है, पाल शिल्पग्राम है और नापासर है। तो नापासर नहीं मेरे भाई, नापासर जोधपुर में नहीं है, नापासर जोधपुर में नहीं है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का। कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला अवम 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? आज मृत्यु वाले दो क्वेश्चन पूछ ले भाई। क्या पूछ लिया? आज मृत्यु वाले दो क्वेश्चन पूछ ले, बताओ। बताइए, जवाब दीजिए भाई। दिख रहा है क्वेश्चन तो? सेवेंटी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब पूछ ले से भाई, ई में ही होगा 79। पता जल्दी पता बोला उत्थान। कौन है भाई? नरेंद्र कुमार, कर्नल प्रेमचंद, पंकज कुमार और उमेश जिरपे। इसका जवाब दीजिए फटाफट से सर। 79। अच्छा पहली पारी देखो, सारी चीज बता दे आप, सारी चीज बता दे। थोड़े दिन रुको, थोड़े दिन रुको सही, सारा पेपर तो हो जाने दो, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। अभी तक किसी मित्र ने कोई जवाब नहीं दिया है। एक बताया सी बता रहा है, एक बता रहा है ए बता रहा है। इन दोनों में से सही होगा मेरे भाई किसका? ये है मेरे भाई पंकज कुमार। कौन है ये? पंकज कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, परसों ही क्वेश्चन करवाया था मैंने, मिशन बुनियाद का संबंध किससे है? तो किससे मेरे भाई? डिजिटल लर्निंग। पता है ना आपको, परसों शाम को जो मैंने एक लंबी क्लास ली थी करंट अफेयर्स की, उसमें से रोजाना क्लास में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डिजिटल लर्निंग है भाई मिशन बुनियाद। क्या है? डिजिटल लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? बताइए। जल्दी से जल्दी जवाब दो मेरे भाई। 2002 में, 2001 में, 2000 में और 2002 में। जल्दी से जवाब दीजिए भाई। जवाब में स्लो है, सन 2000 बता रहे हैं, सन 2000 बता रहे हैं। एक बच्चे ने जवाब दिया है भाई, पूछा राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना। अब 2000 भी है, 2001 भी है, 2003 भी है, 2000। अच्छा बड़ा पास दे दिया, नहीं एग्जैक्टली आपको जवाब देना है भाई, एग्जैक्टली आपको जवाब देना है, बाकी तो आपकी लंका लग जाएगी इस क्वेश्चन में। बताइए, अभी तक किसी मित्र का जवाब मेरे को सही दिखाई दे नहीं रहा है। राजस्थान स्थापना दिवस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजस्थान फाउंडेशन डे की बात कर रहा हूं भाई। आपके जवाब जो हैं, आपके जो जवाब हैं वो ठीक नहीं आए अभी तक। तो एक बच्चे का मेरे को लग रहा है ठीक जवाब दिया किसी ने, एक बच्चे ने ठीक जवाब दिया है, और इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो है 2002। क्या जवाब है? 2002। 2001 में ये बनाई गई थी स्थापना, 2002 में हुई। ये लीजिए, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? भाई कल परसों क्वेश्चन करवाया था अपन ने, ये मोहनलाल प्रजापति या मोहनलाल कुम्हार को दिया गया। मित्रों किसको दिया गया? ये मोहनलाल प्रजापति या मोहनलाल कुम्हार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन कोई छूटने जाइए जरूर ध्यान रखना, ये ठीक है ना? हाँ लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए और क्लास को शेयर करो। क्लास शेयर नहीं कर रहे हो यार आज आप लोग, मेरे को यूं लग रहा है थोड़ी कमी महसूस करवा रहे हो आप लोग, है ना? क्या करवा रहे हो? और जो भी नए बच्चे जुड़े रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और रोजाना सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, और शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है शानदार एमसीक्यू होता है फ्री से। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। सब जानते हो कि मेरे हिसाब से विजय हजारे खूब चर्चाओं में रहती है ट्रॉफी, तो किससे मेरे भाई? क्रिकेट से। चलिए साहब, इसका जवाब दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से किसने 8 अगस्त 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? बताइए। आदित्य मेहरा, सौरभ कोठारी, पंकज आडवाणी और गीत शेट्टी। मेरे भाई ये जीता है पंकज आडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है ये। हाँ जी, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत ₹1 प्रति प्लेट दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। बताइए यानी कि कितने रुपए में दोपहर का भोजन आपको मिलता है? तो ₹8 मिलता है भाई, दोपहर का हो या शाम का या सुबह का हो। हर कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? नवीनतम कौन सी इसमें से? विंध्यन है, अरावली है, अदनामलाई और शिवालिक है। तो शिवालिक जो है ये नवीनतम में, नवीनतम वलित पर्वतमाला अपने शिवालिक जो है वो। लीजिए इंदिरा गांधी आगे भी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन का रोजगार गारंटी दी जाती? पता है कल ये क्वेश्चन आया था ना, कल इसकी डेट पूछी, मैंने पूछा था आप दिन पूछ लेगा नेक्स्ट में, और देख लो छप गया क्वेश्चन, है ना। मैंने कहा था नेक्स्ट पेपर में क्या जाएगा, ये दिन पूछेगा भैया कितने दिन तक ये दिया जाता है। तो मेरे भाई यही अनुभव है और इसीलिए कहते हैं कि आपको पुराने क्वेश्चन देखने चाहिए या जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उनके पेपर आपको देखने चाहिए। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? बताइए, जवाब दीजिए मित्रों फटाफट से। बालाथल, पीलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा। तो मेरे भाई ये जो आपको मिले कहां पर मिले बताइए? कालीबंगा सभ्यता मिले। किसमें? कालीबंगा सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले कालीबंगा सभ्यता में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्रों में वन अंतर्गत होना चाहिए? तो मैदानी क्षेत्रों में 20% वन होना चाहिए। 20%, क्योंकि लगभग 60 से 65% वन तो कहाँ होने चाहिए? पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में होने चाहिए। ये मैंने बता रखा है, तो नेक्स्ट पेपर में आ जाएगा मित्रों, इस बार ये दे दिया तो। लीजिए साहब, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, दीजिए जवाब। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाब आपके बड़े स्लो आते हैं मेरे भाई। कौन है मेरे भाई? कृष्ण कुमार गोयल, बिल्कुल बच्चे का सही जवाब दिया हुआ इसका। लीजिए, राज्यपाल के संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है ये, थोड़ा कट रहा है कि नीचे अब दिख रहा है। कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है यानी कि गलत है? राज्यपाल को मृत्युदंड के दस्तावेज के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है, अच्छा। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो क्या न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल मेरे भाई, न्यायालय में चुनौती इनको दिया जा सकता है। यही आंसर क्या होगा इसका? डी। अरे भाई इवन ये तक होता है कि राज्यपाल यदि अपने हिसाब से किसी की सरकार बना भी देता है तो भी इसको न्यायालय में चुनौती तो दी जा सकती है। मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया था? चित्तेरों की ओवरी कहां स्थापित किया गया था बताइए? सॉरी, किसके काल में? महाराणा जयसिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा अमर सिंह और महाराणा जगत सिंह प्रथम। तो किसके समय हुआ था मेरे भाई? महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय इन्होंने खूब काम किया था उस समय, महाराणा जगत सिंह प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए और क्लास को शेयर नहीं करो मेरे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप हैं, टेलीग्राम, उन सभी शेयर कीजिए। संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी? बताइए, उज्बेकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान और तजिकिस्तान। बताइए, तो मेरे भाई इसने मेजबानी की थी उज्बेकिस्तान ने। किसने की थी? उज्बेकिस्तान ने। ये क्या की थी? मेजबानी की थी उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान ने मेजबानी की थी। ये लीजिए मित्रों, कल परसों ही अपनी क्वेश्चन हो रहा था, कल परसों ही मैंने आपको संत संप्रदाय पढ़ाया था, उसी में क्वेश्चन था ये, था कि नहीं था बताओ जो ऑनलाइन देख रहे हैं रेगुलर। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ था, कहां पर हुआ था मेरे भाई? हरनावाम, बिल्कुल बच्चे का सही आंसर कर रखा है इसने, हरनावाम हुआ था। कहां हुआ था? हरनावाम में। लीजिए साहब, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किससे मिलता है बताइए फटाफट से। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ के प्रारूप दिया गया है बताइए, कौन सा अनुच्छेद है भाई? 159, 154, 155 और 158 बताइए। शपथ का प्रारूप तो मेरे भाई 159, 159 में। कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? आवेदन पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक और अधिसूचना बताइए। तो आवेदन जो पत्र है वो सरकारी पत्र नहीं होता मेरे भाई, परिपत्र भी होता है, अधिसूचना भी होती है और अनुस्मारक भी होता है। फिर से रिमाइंड करवाना, लीजिए साहब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, आसान से क्वेश्चन आ गया कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। मतलब ये आप करंट वाले क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये डेट लिखी हुई थी, इसका मतलब इस डेट को पेपर बन गया था मेरे को लग रहा है, नहीं है। राजवंत बी सिंह, समीर वी कामत, डॉक्टर विजय सिंह और डॉक्टर आलोक जैन बताइए भाई कौन होगा इसका आंसर। तो समीर वी कामत डीआरडीओ के क्या वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सर फास्ट, अरे मेरे भाई देवता और इससे कितना फास्ट चलूंगा, रोडवेज से भी फास्ट चल रहा हूं हरियाणा वाली। सबसे पहले और सबसे जल्दी मेरा ही पेपर होने वाला है। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए बताइए, जवाब दीजिए मित्रों फटाफट से। यानी राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, दीजिए जवाब दीजिए भाई। मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता। मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता बताइए, फटाफट जवाब दीजिए भाई। तो मेरे हिसाब से ये भाई आंसर इसका जाएगा डी, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के साथ क्या करता है मेरे भाई, ये विचार विमर्श करता है, राइट। चलिए डी इसका राइट आंसर होगा। बताइए फटाफट जवाब दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके पसंद का क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, कौन अधिकृत है भाई बताइए? उच्च न्यायालय नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, महान्यायवादी और महाधिवक्ता बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। बच्चे ने गलत कर दिया, नहीं महाधिवक्ता इसका राइट आंसर होगा। महान्यायवादी तो कहां होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, यहां क्या हो जाएगा महाधिवक्ता आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? महाधिवक्ता इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अच्छा पूरे करवा दिए मेरे भाई जीके क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन पूरे करवा दिए। आप देख लीजिए, अभी एक बच्चा बता रहा था सर फास्ट कराओ, इससे फास्ट मेरे भाई कुछ हो नहीं सकता। चलिए अब जो है आपके साइंस के क्वेश्चन, सोल्व करवाए जाएंगे। तो फटाफट से एक बार शेयर करो सारे मिलकर, फटाफट से एक बार शेयर करो भाई, फटाफट से शेयर करो जल्दी से जल्दी। देखिए दोस्तों सभी को नमस्कार। अब जो हमारी जीके का जो सॉल्यूशन हो गया, अब जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा साइंस का सॉल्यूशन। और साइंस के सॉल्यूशन में आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। पहला ही जो क्वेश्चन आया था वो 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए दोस्तों, 12 नंबर का जो क्वेश्चन था ये कौन सा था कि निम्न में से कौन सा जंतु उत्तक जो होता है, देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक होता है, इसके बारे में ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? लिग्निन बोले तो सी आ जाएगा। हेमीसेल्लोज, सेल्लोज और पैक्टिन और लिग्निन के बारे में बता रखा, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा, लिग्निन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? लिग्निन आ जाएगा। इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन दे रखा था वो दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था। कौन सा था? 15वें नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें क्या दे रखी थी? बोल सिंपल सा चलता सा बता देते हैं अपन कि सर उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो किस प्रकार की होती है। इसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों की क्षमता के बारे में पूछा गया था कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है बेटा वो धनात्मक होती है, बल्कि अवतल लेंस की अगर पूछा जाता है तो ऋणात्मक होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी थी। और धनात्मक जो उत्तल लेंस की जो क्षमता के बारे में पूछा गया था कि निकट की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग जो होता है दूर की वस्तु देखने के लिए किया जाता है, जो कि ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता पूछी हमें तो सर ऑप्शन नंबर बी बोले तो धनात्मक होता है। कौन सा आता है बेटा? धनात्मक होता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी धनात्मक रहेगा। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी को धन्यवाद, एक बार क्लास को शेयर कर दो। इसके बाद में जो क्वेश्चन था वो था बेटा 17वें नंबर का क्वेश्चन था। और 17वें नंबर का जो क्वेश्चन था वो कौन सा था कि पारिस्थितिकी जो शब्द था ये सर्वप्रथम किसने दिया था? ये रिटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था मेरे दोस्तों? रिटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये सबसे पहले जो पारिस्थितिकी शब्द का जो दिया था वो रिटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था वो था सर 20वें नंबर का क्वेश्चन था। किसका था बेटा? 20वें नंबर का क्वेश्चन था। देखना यहां जो अगला क्वेश्चन था हमारा वो 20वें नंबर का क्वेश्चन था। देखते हैं, देखना अगले नंबर का जो क्वेश्चन था वही कल वाली प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यहाँ से